अगर आप डिप्लोमा के बाद या ट्वेल्थ के बाद इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि जामिया का बीई कोर्स बंद हो गया है और जामिया के डिप्लोमा होल्डर्स को डिग्री करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसी के मद्देनज़र ये अपॉर्चुनिटी जामिया डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी है। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए लेटरल एंट्री दैट इज़ एडमिशन इन सेकेंड ईयर की फैसिलिटी है। कॉलेज एंड डिग्री AICTE से अप्रूव्ड होगी, रेगुलर डिग्री आपको मिलेगी और हम फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एडमिशन करने का कैंडिडेट से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। हमारा ये इंटेंशन है कि जामिया डिप्लोमा वाले कैंडिडेट जॉब के साथ डिग्री कंप्लीट कर ले, जैसा कि जामिया का बीई कोर्स था कि बच्चे डिग्री के साथ जॉब भी कर लेते थे। इसके लिए आप एल्बियन नूर अकेडमी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एल्बियन नूर अकेडमी सोशल सर्विस करती है फ्री ऑफ कॉस्ट टू एम्पावरमेंट ऑफ जामिया कैंडिडेट। यू मे कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर विच इज़ मैंशन ऑन द बैनर, और किसी कुछ क्वेरीज हो तो यहाँ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वेलकम टू एल्बियो नूर अकेडमी। सेकेंड टाइप ऑफ सर्वो मोटर इज AC सर्वो मोटर। उसके भी दो टाइप्स हैं, टू फेस पहले हम डिस्कस करेंगे। टू फेस AC सर्वो मोटर, मोस्ट ऑफ द AC सर्वो मोटर्स आर ऑफ टू फेस स्क्वायरल केज इंडक्शन टाइप फॉर लो पावर एप्लीकेशन। जो भी हम लो पावर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको जो हम यूटिलाइज करते हैं वो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है। जो स्प्लिट फेस आपने पढ़ा होगा, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जो होता है वो उसी तरीके से होता है। कंस्ट्रक्शन में हम और डीपली पढ़ेंगे इसे। द स्टेटर हैज़ टू डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो दो तरीके की वाइंडिंग होती है, कंसेंट्रिक वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है विच आर डिस्प्लेस फ्रॉम ईच अदर बाय 90 डिग्री। तो जैसे स्प्लिट फेस में करता था हमने जो है एक वाइंडिंग को हम 90 डिग्री जो है वो शिफ्ट करते थे, इसमें भी सेम उसी तरीके से हम कंस्ट्रक्शन अप्लाई करते हैं। तो कॉल्ड द डिफरेंस और फिक्स वाइंडिंग। तो वो वाइंडिंग जो होती है 90 डिग्री पे जो डिस्प्लेस होती है, एक तो रिफरेंस वाइंडिंग होती है जो हमारी 0 डिग्री पे होती है, और दूसरी वाइंडिंग जो होती है वो हमारी होती है कंट्रोल वाइंडिंग। दूसरी वाइंडिंग होती है हमारी कंट्रोल वाइंडिंग। उस पर क्या करते हैं, हम वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसीज जो होती है वो सेम होती है किसके, रेफरेंस फेस के। लेकिन बस फ़र्क क्या होता है कि वो 90 डिग्री जो होती है वो डिस्प्लेस्ड होती है। कंस्ट्रक्शन इसका कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले रोटर हो गया आपका, ये आपका रोटर हो गया, ये आपकी एक हो गई सबसे पहले रेफरेंस वाइंडिंग। रेफरेंस फेस जो कि मेन वोल्टेज से हमारी ऑपरेट हो गई VM, और दूसरी हो गई आपकी जो हम फेस शिफ्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सिंगल वाइंडिंग में हमारा फेस शिफ्ट नहीं हो पाता इसीलिए हम सेकंड वाइंडिंग जो है वो लगाते हैं, इसीलिए इसका टू फेस हो जाता है। ये होती है हमारी कंट्रोल फेस VA प्लस माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका जो रोटर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, हाई रेजिस्टेंस रोटर हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। यही फ़र्क है कि हम इसमें क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर इसका कंस्ट्रक्शन सेम होता है तो जो हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं सिंगल फेस इंडक्शन मोटर स्प्लिट फेस, वही क्यों नहीं हम ऐसा सर्वो मोटर यूज़ कर लेते हैं। लेकिन उसका रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा बढ़ाने का फ़ायदा हमें ये मिलता है कि जो हमें इसमें चाहिए, हमें चाहिए जो टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो लीनियर आए। अगर रेजिस्टेंस आपका हाई नहीं होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल रेजिस्टेंस अगर आपका हाई नहीं होगा तो ये X/R रेशियो जो होगा वो हमारा सही नहीं मिलेगा, हमें वो लीनियर नहीं मिलेगा। क्योंकि रेजिस्टेंस हाई होगा तो हमें सही मिलेगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ स्प्लिट फेस की, तो स्प्लिट फेस का कैरेक्टरिस्टिक ऐसा आता है। तो हम इसका रेजिस्टेंस का रोटर जो है वो उसका हाई रखते हैं। हाई रखने का मतलब ये होता है कि ये जब R हाई होगा तो ये हमारा स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल होगा तो हमें जो है वो लीनियर मिलेगा। ये तो हमारा जो अगर हाई रखेंगे तो ये जो है हमारा लार्ज होगा, अगर रेजिस्टेंस लो होगा तो ये लार्ज होगा हमारा X/R। तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो ये लीनियर नहीं होगा, ये नॉन लीनियर होगा। यहाँ पे टॉर्क है, ये आपका स्पीड है, और हमें सर्वो मोटर में चाहिए लीनियर। तो लीनियर कब होगा, जब ये हमारा स्मॉल होगा, क्या स्मॉल होगा, X/R। और X/R जब स्मॉल होगा जब हमारा रेजिस्टेंस हाई होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए हम यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस जो है रोटर का वो हाई रखते हैं, ठीक है।
लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। तो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक जैसे हमारा डीसी सर्वो मोटर में आया था उसी तरीके से आएगा, ये आर्मेचर वोल्टेजेस हो गए, डिफरेंस वोल्टेजेस पे जो है हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। द स्पीड एंड टॉर्क ऑफ अ रोटर कंट्रोल बाय द फेज डिफरेंस। तो जो हमारा स्पीड और टॉर्क होगा रोटर का, वो हम किससे कंट्रोल करेंगे, फेज डिफरेंस से। जो हमने फेज डिफरेंस बनाया है कंट्रोल वोल्टेज एंड डिफरेंट फेज वोल्टेज, दोनों से हम जो है उसका फेज डिफरेंस से, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे फेज डिफरेंस हमने क्रिएट किया है 90 डिग्री का, तो उसी से हमारा स्पीड और टॉर्क दोनों कंट्रोल होगा। द डायरेक्शन ऑफ अ रोटेशन ऑफ द रोटर कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द फेज डिफरेंस फ्रॉम लीडिंग टू लैगिंग। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपका शुरू में लीडिंग चल रहा है, तो लीडिंग चल रहा है तो मान लीजिए वी ए जो है हमारा वो प्लस 90 डिग्री आ रहा है, तो अगर हम इसको माइनस 90 डिग्री कर देंगे तो ये लैग हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है अगर मान लीजिए पहले क्लॉक वाइज चल रहा है तो बाद में फिर वो एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा। तो इससे जो है हम कर सकते हैं उसको, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, और वाइस वर्सा और उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर हम लैगिंग से लीडिंग कर रहे हैं तो लीडिंग से लैगिंग भी कर दें। द कंट्रोल वोल्टेज एंड डिफरेंस फेज वोल्टेज, तो ये दोनों के बीच में होता है, तो वही दोनों के बीच की बात कर रहे हैं। अब हमें अगर मोटर को हाईली सेंसिटिव करना है, सेंसिटिविटी आपको पता होगा, सेंसिटिविटी जो होती है वो होती है, सेंसिटिविटी होती है आपकी आउटपुट अपॉन इनपुट। इसका मतलब ये है कि कितने कम इनपुट पे वो हमारा आउटपुट सेंस हो जाए, इससे हमें सेंसिटिविटी कहते हैं। इससे हमें फ़ायदा मिलता है कि वो कितनी जल्दी सेंस कर जाए हमारा, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ड्रैग कप का। ड्रैग कप इज़ यूज टू मेक द मोटर हाईली सेंसिटिविटी, ताकि हमारा मोटर हाईली सेंसिटिव हो जाए, इसकी वजह से हम ड्रैग कप यूज़ करते हैं। ए थिन कप ऑफ अ नॉन मैग्नेटिक कंडक्टिंग मटेरियल यूज एज अ रोटर, उसमें क्या करते हैं हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को यूज़ करते हैं, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को यूज़ करते हैं एज अ रोटर की तरह। द स्टेशनरी आयरन कोर एट द मिडल ऑफ अ कंडक्टिंग कप कंप्लीट द मैग्नेटिक सर्किट। अब उसमें होता क्या है कि अगर हम उसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा, एयर गैप हो जाएगा क्रिएट, और अगर एयर गैप क्रिएट होगा तो हमारा जो है वो मैग्नेटिक रिलक्टेंस जो होगा, रिलक्टेंस बढ़ जाएगा, जिससे कि हमारे सीधे सीधे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पर फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा सर्किट जो है वो क्लोज रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं कि स्टेशनरी पार्ट उसमें इंसर्ट कर देते हैं बीच में। द रोटर इज़ थिन, इट्स रेजिस्टेंस इज़ हाई एंड द रिजल्ट इन हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो रोटर जो होता है वो बहुत थिन होता है, और थिन होगा तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपको पहले बताया कि इसमें जो है रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमें टॉर्क मिलेगा, क्योंकि उसका लीनियर करवाएगा। दीज मोटर्स हैव लो पावर रेटिंग एज़ कम्पेयर टू डी सी मोटर। तो इसमें क्या होता है कि हमारा पावर रेटिंग जो होता है वो लो होता है एज़ कम्पेयर टू डी सी मोटर एंड थ्री फेज सर्वो मोटर। बाद में हमने थ्री फेज सर्वो मोटर को भी अपग्रेड कराया, ताकि हम, क्योंकि इसका पावर लो है, तो हम अगर सर्वो मोटर को एज अ एसी सर्वो मोटर यूज़ करना चाहते हैं तो टू फेज जो है वो हमारा यूटिलाइज नहीं होगा, जहाँ पे हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए हमें थ्री फेज सर्वो मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रैक टाइप कंस्ट्रक्शन जो है उसका फिगर कुछ इस तरीके का होता है, ये आपकी स्टेटर हो गई, ये आपके स्टेटर हो गई। ड्रैग कप का फ़ायदा मैंने बता रखा है आपको, कि जहाँ पे भी हमें मोटर को हाईली सेंसिटिव करना हो, ताकि वो ईजिली सेंस कर ले हमारे इनपुट को और हमें आउटपुट जल्द से जल्द दे, तो वहाँ पे हम ड्रैग कप का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी जो होती है ये थिन ट्यूब कप होती है, ये कप है हमारी एक तरीके की, इसको हम शेडेड दिखा देते हैं ताकि पता चले ये हमारी कप है, ये हमारी हो गई ड्रैग कप, थिन होती है बहुत, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, हाई रेजिस्टेंस, अगेन लीनियर कर्व, और आपकी बीच में जो हो गई यहाँ पे एक शाफ्ट हो गई, ये रोटर हो गया शाफ्ट, ये रोटेटिंग होगा, ये आपका स्टेटर हो गया। तो इसमें हम बीच में जो है एक स्टैटिक पार्ट इंसर्ट करते हैं, ताकि हमारा सर्किट जो हो वो मैग्नेटिकली क्लोज्ड हो जाए, जिससे कि हमारी जो है रिलक्टेंस कम हो जाए। अगर सीधे हम एयर में रखेंगे तो उसकी रिलक्टेंस ज़्यादा होती है, तो सीधे सीधे हमारे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पे फ़र्क पड़ेगा, तो ये स्टैटिक रोटर होता है। एसी सर्वो मोटर में आपका दूसरा हो गया थ्री फेज एसी सर्वो मोटर। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज़ नाउ यूटिलाइज फॉर द एप्लीकेशन वेयर हाई पावर सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड। तो टू फेज में मैंने आपको बताया था कि टू फेज जहाँ पे हमें हाई पावर की रिक्वायरमेंट हो
वहाँ पे हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। डीसी तो कर सकते हैं लेकिन टू फेज़ नहीं कर सकते, तो हमने थ्री फेज़ को जो है यूटिलाइज़ किया है। थ्री फेज़ भी आपका स्क्वायरल केज होता है। इट हैज़ बिन यूज एज अ लीनियर डीकपल्ड मशीन। डीकपल्ड का मैंने बता रखा है कि वो मैग्नेटिकली जो होता है कनेक्ट होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकली जो है वो टच नहीं होता, जिससे हमारा टॉर्क रिस्पॉन्स अच्छा हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, कंट्रोल मेथड जो यूज़ करते हैं वो वेक्टर कंट्रोल और फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल होता है। इसमें वेक्टर कंट्रोल मेथड ये होता है कि जो भी हमारा फ्लक्स होगा वो वेक्टर पोजीशन में हमें दिखाएगा, जो उसका जो कंपोनेंट होगा वो वेक्टर फॉर्म में होगा। इन दिस मेथड द करंट इन द मशीन आर कंट्रोल्ड इन सच अ वे दैट स्टैक एंड फ्लक्स बिकम डिकपल्ड। तो इसमें क्या होता है कि फ्लक्स जो होता है वो डिकपल्ड होता है, ताकि हमारा जो होता है वो स्पीड और जो टॉर्क जो है वो हमें हाई मिले। ठीक है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर विद वेक्टर कंट्रोल आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड एज अ सर्वो मोटर फॉर एप्लीकेशन इन हाई पावर सर्वो सिस्टम लाइक डीसी सर्वो मोटर। तो आपने देखा कि टू फेज़ जो है हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते थे, जहाँ पे आपका हाई पावर की रिक्वायरमेंट हो डीसी कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने इसको यूटिलाइज़ करने के लिए इसको अपग्रेड किया है। तो अब हम जहाँ पे डीसी सर्वो मोटर यूज़ करते थे, वहाँ पे हम थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर एज अ सर्वो मोटर हम यूज़ कर सकते हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं किस तरीके का होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि फीडबैक सिस्टम में इस्तेमाल होता है, तो इसका ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरीके का है। ये जो आपका होगा ये कंट्रोलर हो गया, कंट्रोलर आपका कुछ भी हो सकता है, आर्डिनो हो सकता है। ये हो गया सर्वो एम्पलीफायर, जो हमारी सिग्नल होती है मोटर के लिए कंट्रोलर से जो निकलती है वो सफिशिएंट नहीं होती, क्योंकि मोटर की रेटिंग ज़्यादा होती है। तो सर्वो एम्पलीफायर का काम होता है कि उस सिग्नल को जो है वो बूस्ट कर देता है, उस मोटर के रेटेड के इक्वल पहुँचा देता है। ये आपका लोड हो गया, जो भी लोड हमें चलाना हो, एल से डिनोट कर देते हैं लोड को। ठीक है, फिर आपका जो हो गया ये नीचे फीडबैक एलिमेंट हो गया, जो कि आपका फीडबैक की तरह काम करेगा, जो कि सेंस करेगा कि जो आपने इनपुट दिया है उसके एज इट इज़ आपको आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर जो नहीं मिल रहा तो ये आपका फीडबैक जो है एलिमेंट वो फीडबैक सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है, ये आपका जो भी मोटर का आउटपुट निकलेगा वहाँ से कनेक्ट होगा ये इस तरीके से। और आपका यहाँ पे एरर डिटेक्टर होगा, जो चेक करेगा कि आपके सिग्नल में एरर तो नहीं है कोई, जो कि बाद में एरर सिग्नल जनरेट करेगा। यहाँ पे इसका एरर सिग्नल जनरेट होगा जो कि कंट्रोलर के पास जाएगा। ये हो गया आपका, ये आपका यहाँ पे इनपुट हो गया, इधर तो आउटपुट है ही, और आपका ये प्लस माइनस फीडबैक देखेगा, ये पॉजिटिव फीडबैक है या नेगेटिव फीडबैक है वो शो करेगा। ये फीडबैक सिग्नल हो गया। तो ये काम कैसे करता है, मान लीजिए आपने मोटर को इनपुट दिया कि वो 30 डिग्री या 90 डिग्री रोटेट कर जाए, तो आपका ये सिग्नल गया मोटर में, तो मोटर से जो आउटपुट निकला अब उसमें चेक करेगा कि ये एज अ इनपुट काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जैसे हमने इनपुट दिया। अगर जो नहीं कर रहा तो ये फीडबैक में जाएगा और चेक करेगा। ठीक है, और वहाँ से फिर फीडबैक सिग्नल जनरेट करेगा ये, जो कि एरर डिटेक्टर में जाएगा, और एरर डिटेक्टर जो है उसको कंपेयर करके जो भी सिग्नल हो उसको कंट्रोलर में भेज देगा, कंट्रोल फिर उसके हिसाब से जनरेट करेगा सिग्नल को। तो इसकी रेटिंग जो होती है कंट्रोलर की वो कम होती है, तो वो सर्वो एम्पलीफायर में जाके वहाँ पे जो है वो एम्पलीफाई हो जाती है सिग्नल, और फिर से वो मोटर जो है मोटर में खुल जाती है। तो रिक्वायर्ड, जो कि रिक्वायर्ड हमारा आउटपुट होता है वो हमें मिल जाता है इस तरीके से, जो ये पूरा फुल्ली कंट्रोल हो जाता है हमारा। जो हम फीडबैक एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर पोजिशनिंग सेंसिंग के लिए, फीडबैक एलिमेंट वो हमारा या तो इनकोडर हो सकता है या फिर पोटेंशियोमीटर हो सकता है। ये दो यूटिलाइज करते हैं, जहाँ हमारा थ्री फेज सर्वो मोटर के लिए हम एनकोडर इस्तेमाल करते हैं, और पोटेंशियोमीटर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो टू फेज सर्वो मोटर के लिए। इसमें गियर सिस्टम लगे हुए होते हैं जो बाद में पोटेंशियोमीटर के रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देता है, तो उसके हिसाब से उसका वोल्टेज सिग्नल जनरेट होता है। कंपेरिजन ऑफ अ सर्वो मोटर विद कन्वेंशनल मोटर, अगर हम इसको कंपेयर करें, जो भी हम कन्वेंशनल मोटर हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें क्या फ़र्क है। फर्स्ट पॉइंट, सर्वो मोटर प्रोवाइड्स हाई टॉर्क एट ऑल स्पीड इंक्लूडिंग जीरो स्पीड। तो मैंने आपको बताया कि ये हाई टॉर्क प्रोड्यूस करता है, लीनियर कर्व होता है इसका, और जीरो स्पीड पे भी जो है ये टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। दे एक्सेलरेट एंड डी एक्सेलरेट क्विकली, क्योंकि इसका इनर्शिया कम होता है तो ये एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट बहुत जल्दी हो जाता है। थर्ड पॉइंट, दे हैव लोअर लो रोटर इनर्शिया, देयरफॉर देयर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन बी रिवर्स्ड क्विकली। अब जिसका इनर्शिया कम होगा तो
तो हम किसी भी डायरेक्शन में उसको एट अ टाइम कभी भी हम उसको रिवर्स कर सकते हैं और क्विकली रिस्पॉन्स देगा वो अपना जिस भी डायरेक्शन में। मान लीजिए फॉर एग्जांपल पहले क्लॉकवाइज चल रहा है, अगर हम इसकी डायरेक्शन को चेंज करना हो, डायरेक्शन चेंज मेथड मैंने आपको बताया है, तो उसको वो ईजिली रिवर्स कर पाएगा क्योंकि इसका इनर्शिया कम होता है, वेट ज़्यादा नहीं होता है। ए सर्वो मोटर कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एट लोअर स्पीड। अगर लोअर स्पीड होगी तो उस पर भी ये जो है हाई टेम्परेचर जो है वो सस्टेन कर लेगा, इवन की ज़ीरो स्पीड पे भी कर लेगा, क्योंकि ये हीट जो होता है वो जल्दी डिसिपेट कर देता है, मतलब हीट जो है वो जल्दी डिसिपेट कर देता है और क्विकली कर देता है।